हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, ने भगवत गीता स्टार्ट किया था। ये न्यूली एडेड टॉपिक है साइकोलॉजी नेट सिलेबस का, यूजीसी नेट सिलेबस का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर यानी जो प्रथम अध्याय इसका पहला अध्याय उससे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहले अध्याय का जो नाम है वो है अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब क्या होता है? विषाद का मतलब होता है दुख, बहुत ज़्यादा गहरा दुख जब रहता है तो उसको बोलते हैं विषाद। तो इसमें अर्जुन के दुख का वर्णन किया गया है। ये गीता के उपदेश का विलक्षण यानी बहुत ही यूनिक नाटकीय रंगमंच प्रस्तुत करता है। इसमें श्रोता यानी जो सुनने वाला है, सुनने वाला कौन है? अर्जुन। और जो वक्ता है यानी कृष्ण जी, दोनों की कौतूहल शांति मतलब उनके अंदर की जो बेचैनी है, जो उत्सुकता है, जो उनके अंदर बेचैनी है उसको शांत करने के लिए ये नहीं है, बल्कि ये जो संवाद है, ये जो अध्याय है, ये जीवन की बहुत ही गहरी समस्याओं का हल निकालने के लिए है। प्रगाढ़ मतलब बहुत ही गहरी समस्याओं का हल निकालने के लिए है। अर्जुन का जो व्यक्तित्व था वो किससे बना था? शौर्य, धैर्य, साहस और बल, इन चार गुणों से। मतलब ये चार गुण सबसे ज़्यादा मात्रा में थे अर्जुन में। दो और गुण थे जिसमें एक था क्षमा का गुण और दूसरा था प्रज्ञा का गुण। अर्जुन क्षत्रिय धर्म के थे। क्षत्रिय धर्म एक बल प्रधान धर्म है, उसमें बल का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। बल प्रधान स्थिति में पहुँचने के बाद अचानक से अर्जुन के मन पे एक दूसरे प्रकार के इमोशंस आ गए, दूसरे प्रकार के मनोभाव आ गए। वो मनोभाव कौन सा था? कार्पण्य यानी करुणा का मनोभाव। एक अलग विचित्र प्रकार की करुणा उनके मन में भर गई। और उनका जो क्षत्रिय स्वभाव था, जो बल का स्वभाव था, जो युद्ध का स्वभाव था, वो क्या हो गया? लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वो प्रतिबद्ध थे कि उनको वो कर्तव्य निभाना ही है, उससे वो क्या हो गए? विमुख हो गए। यानी जो वो युद्ध करने वाले थे महाभारत में युद्ध के समय, उन्होंने जब अपने सामने अपनों को देखा, जिनके साथ वो बचपन से रहे, जिनको हम कहते हैं अपने प्रिय, उनको देखा तो उनके मन में ऐसे करुणा का भाव आ गया कि उनसे युद्ध करने की स्थिति उनके लिए मुश्किल हो गई और वो अपने कर्तव्य से क्या हो गए? विमुख हो गए यानी हट गए। ऊपर से अगर हम बाहरी तौर पे देखें तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो अर्जुन का पक्ष था वो धर्मयुक्त था, लेकिन उसने उन स्वयं को क्या कहा है? कार्पण्य दोष कहा है। जो उनके मन में ये भाव आए, मतलब अगर हम देखेंगे कि हम मान लो हम बोलें कि आपको अपने माता पिता से युद्ध करना है या आपके सगे संबंधियों से युद्ध करना, उनका खून बहाना है, उनको कष्ट पहुंचाना है, तो क्या ये धर्मयुक्त है? हम बोलेंगे नहीं, ये तो धर्मयुक्त बिल्कुल नहीं है। जबकि गीता के इस अध्याय में अर्जुन ने स्वयं ही इसको क्या कहा है? कार्पण्य दोष, मतलब करुणा का दोष कहा है। ये माना जाता है कि मन की कायरता के कारण उसका जन्म सिद्ध स्वभाव नष्ट हो गया। और उसका जन्म सिद्ध स्वभाव क्या था? युद्ध था। अर्जुन का जन्म से स्वभाव था युद्ध, जो कि करुणा की वजह से क्या हो गया? नष्ट हो गया। वो निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि वो युद्ध करें या नहीं करें, वैराग्य ले लें, क्या करें क्या नहीं करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जो उनका मनोभाव था, जब ये मनोभाव उनका, करुणा का मनोभाव उनका, कन्फ्यूजन का मनोभाव उनका चरम स्थिति में पहुंच गया, तो उन्होंने धनुष बाण को क्या किया? रख दिया, एक ओर डाल दिया। जब कृष्ण ने अर्जुन की ये स्थिति देखी कि उन्होंने तो युद्ध से पूरी तरीके से हथियार अपने डाल दिए हैं, तो उन्होंने यानी कृष्ण जी ने ये जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी जो अद्भुत क्षत्रिय शक्ति थी वो खत्म हो गई है, उनका मनोबल टूट गया है और बिना मन के शरीर खड़ा नहीं रह सकता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो हो, आपका व्यक्तित्व है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक आपके शरीर से और दूसरा आपके मन से।
अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपका मन कुछ नहीं कर सकता। आपका मन भले कितना भी बाहर दौड़ने भागने का, बहुत मेहनत करने का, लेकिन अगर आपको बहुत गंभीर बीमारी है, आपका शरीर साथ नहीं देता, तो फिर आप कैसे करोगे। उसी प्रकार अगर आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप दुर्बल हो मन से, अगर आपका कोई चीज़ करने का मन ही नहीं है, मनोबल आपका टूट गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत भी बोला जाता है, तो आपका शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोनों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जब कृष्ण जी ने ये देखा कि अर्जुन का मनोबल तो टूट गया है, तो ये अपने शरीर के साथ नहीं खड़ा रह सकता, तब कृष्ण जी के सामने एक गुरु का कर्तव्य आ गया। उन्हें समझ में आया कि अब मुझे एक मित्र की तरह ना समझाकर एक गुरु की तरह अर्जुन को समझाना पड़ेगा। इसलिए तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा, विश्व के स्वभाव यानी दुनिया का जो स्वभाव है उसमें, जीवन की स्थिति से और दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म परमात्मा उनके साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही क्या हो गया, कृष्ण जी का लक्ष्य हो गया। और इसी यही सबकी चर्चा काय में की गई है, गीता में की गई है। पहले अध्याय में यानी जो हम पढ़ रहे हैं अर्जुन विषाद योग, उसमें सामान्य रीति यानी सामान्य तरीके से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति बोल दी। उन्होंने बता दिया कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उनके मन में क्या दुख है, क्यों वो मन से क्षत्रिय स्वभाव को अपना नहीं पा रहे हैं। ये सारी स्थिति उन्होंने किस में कही है, पहले वाले अध्याय में यानी कि अर्जुन विषाद योग में। उसके बाद दूसरा आता है सांख्य योग। अब दूसरा अध्याय जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे रहेंगे तो आप एटलीस्ट एक बार वीडियो देखो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक कर लो, उसके बाद दूसरी चीज़ें पढ़ लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नेक्स्ट लेक्चर के। थैंक यू।